तुम्हारे साथ बड़ा जाना पहचाना पैनल है। मैं नरेंद्र तनेजा साहब हमारे साथ मौजूद, इनसे मजाक कर रहा था। ये कन्वीनियन है भारतीय जनता पार्टी के एनर्जी सेल के, ये न्यूज पॉइंट के भी पावर के मसलों पर सलाहकार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और मेरे साथ हमारे जर्नलिस्ट हिमांशु शेखर हैं, हमारे साथ राजीव ककेरिया साहब हैं जो कि मेंबर हैं RWA के। जैसे मैंने आपको समझाया कि किस तरह से जब ये समस्या होती है, मैं आप लोग सोचते होंगे कि भाई ये पावर पॉलिटिक्स पे आजकल विज्ञान प्रकाश चर्चा नहीं करते, मैं सच बता रहा हूँ कि ये जो विषय मैं बार बार आप लोगों के लिए उठाता हूँ, उसके लिए कोई आपसे क्रेडिट की मुझे आवश्यकता नहीं, लेकिन समझिए ये असली पावर पॉलिटिक्स है। क्योंकि आपके घर में बिजली चली जाएगी, अभी आप लोग समझ नहीं पाते सियासी नारेबाजी के बीच इस समस्या को। राजीव साहब हैं, डॉक्टर अरविंद प्रसाद हैं जो कि डायरेक्टर जनरल हैं फिक्की के। बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है, बार बार हम बात करते हैं पावर रिफॉर्म्स की, आधुनिकीकरण की, उन तरीकों को जिससे ये सिस्टम ज्यादा बेहतर। हिमांशु, मैं आपसे शुरू करूंगा। जब CAG इस बात को पॉइंट आउट करा, मुझे 2012 में भी याद है कि हमने तमाम प्रोग्राम्स इस समय किए थे, जिसे मैंने मजाक में कहा नरेंद्र से, लेकिन गंभीर बात यह कि नरेंद्र उन कार्यक्रमों में भी हमारे साथ शामिल हुए थे। क्या कोई गवर्नमेंट्स सीख पाई है 2012 में जो हुआ उससे? यही सवाल CAG ने उठाया है। हाँ, कि क्या आपने कुछ सीखा? देखिए, उनके रिपोर्ट में जो आपने भी पढ़कर अपने दर्शकों को बताया था, हाँ, नए सिरे से देखने की कोशिश की है कि 2012 में हुआ क्या, क्योंकि उसके लेसन्स हैं। 30 करोड़ लोगों के घरों में अंधेरा छा गया था 30 जुलाई को, 60 करोड़ लोगों के घरों में अंधेरा छाया 31 जुलाई को, 90 करोड़ भारतीय प्रभावित हुए थे उन 48 घंटों में। और हमें याद है कि एक एक करके ग्रिड कोलैप्स हुए और किस तरह का कोहराम सत्ता के गलियारों में भी मचा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा पहले कभी आजादी के बाद हुआ नहीं, तो अब इससे कैसे निपटा जाए। एक बहुत बड़ी घटना थी और इसको नए सिरे से इस समस्या को देखने की कोशिश की है। एक आपने उसका इशारा किया शुरुआत में ही अपने इस शो में कि इकोनॉमिक लॉस हुआ है। जो दो अहम रिपोर्ट्स को स्टडी किया CAG ने, जो भारत सरकार की इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट है और जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के बड़े अधिकारियों की जो इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट थी, दोनों ने कारणों का तो बहुत जिक्र किया, लेकिन इकोनॉमिक लॉस हुआ, आर्थिक नुकसान आम आदमी को हुआ, इंडस्ट्री को हुआ, उद्योग जगत को हुआ, वो कितना नुकसान हुआ, उसकी जवाबदेही किसकी है, इसका कोई जिक्र रिपोर्ट में नहीं है। इतना बड़ा, जिससे कि भारत की छवि पर बहुत बुरा असर पड़ा था। आपको याद होगा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये खबर सुर्खियों में छाई रही कि भारत में कोई क्यों निवेश करे जब भारत बिजली, जब बिजली ही नहीं है, बिजली नहीं 48 घंटे जिस विकासशील देश में अंधेरा छा सकता है तो कोई नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात हिमांशु, मुझे बहुत स्पष्टता से याद है, मैं नरेंद्र से पूछूंगा, कड़वा सीधा सवाल यह है कि केस था ओवर विड्रॉल का, जितनी आपको बिजली अधिकृत है उससे ज्यादा अनऑफिशियल तरीके से आपने विड्रॉ करवा ली, जिसमें चार्ज लगा उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर। क्या हम इससे सबक आज सीख पाए? आज राजनीतिक परिस्थिति अलग है और मुझे याद है एक अधिकारी ने, वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे समझाया था कि हाँ, पेपर पर आप नियम और कानून बना सकते हैं कि कोई अगर ओवरड्रॉल करता है तो कैसे आप पिनलाइज करेंगे, पेनल्टी बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक राजनीतिक माहौल में जब 2012 के दौरान एक क्षेत्रीय दल के समर्थन से यहां सरकार चल रही हो दिल्ली में, तो क्या वो सरकार राजनीतिक इच्छा शक्ति जुटा पाएगी उस राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो एक बड़े। सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि मामला रफा दफा हो गया, ये दब गया, कभी ये बात उठकर नहीं आई कि अगर कोई राज्य अपने अधिकृत हिस्से से ज्यादा की बिजली विड्रॉ करेगा तो किसी और के यहां से आएगी, बिजली की आंतरिक स्थिति क्या है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। उसके बाद भी ये मसला बना ही, लोगों का हो गया यार फोन पे काम हो गया, ये बहुत सीरियस बात है। उस समय कहा जाता था कोअलिशन पॉलिटिक्स का एक धर्म है, कोअलिशन पॉलिटिक्स धर्म, मतलब ये कहा गया सबको पता था किसकी गलती है, किस में इतनी ताकत थी, उसने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या डायरेक्टिव है या ग्रिड का क्या हाल होगा, परवाह करने की जरूरत नहीं है, करो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस समय वो हमारे साथ हमारे नहीं हमारे पे निर्भर है, हमारे पे निर्भर है, बिल नहीं पास होंगे, जब से CPI और लेफ्ट हटा था उनको अपना पता था उनका, वो यानी उस वो इस हद तक पहुंचा कि ऐसे मसले पे जो एक क्या होता है अनुशासन जो होता है या एक इनडिसिप्लिन होता है उसकी एक सीमा होती है, लेकिन इस सीमा तक पहुंचाना, जैसा आपने बड़ा बढ़िया जिक्र किया कि पूरे पूरी दुनिया के अंदर हमारी जो इमेज थी, हाँ, सही बात है, बिल्कुल हिमांशु से कहा, इंटरनेशनल चैनल्स पे नरेंद्र हमने अपने कितने प्रोग्राम्स किए, मतलब ये स्टोरी चलेगी साहब, देखिए हिंदुस्तान में अंधेरा है और यहाँ पर आप इन्वेस्टर बुला रहे हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी
केंद्र सरकार ने कुछ नहीं कहा, क्यों? कि जो अस्तित्व था उसका वो इस बात पे डिपेंड करता था कि भाई एक सीमा से ज्यादा हम उनको नाराज नहीं कर, यानी यहां तक कि पब्लिकली उनको रेप्रिमांड तक नहीं करा गया, नहीं करा गया। सही बात। और उसके बाद भी, बल्कि अगर आप प्रेस में जाके देखिए तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति आती है हम पुनः ऐसा करेंगे, ये भी कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए जरूरी था हम किसान को बिजली दें, जो राजनीति की भाषा होती है वो उसका प्रयोग करा गया। उसकी क्या वहां से रिग्रेट आया? बाकी जी क्या एक खेद आया? नहीं आया। क्या स्थिति अब बदल गई है? उसके आगे प्रश्न में आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, आपके दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जब पिछले दिनों बिजली की क्राइसिस देश में चल रही थी, उस समय भारी भरकम केंद्र के मंत्री ने, बीजेपी के मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को फोन किया ये बातचीत करने के लिए कि अगर स्थिति खराब होती है तो हम सबको मिलके इसको कैसे जो है काबू में करना होगा, वो स्थिति दोबारा ना आए जो 2012 में आई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज 2 महीने को आ रहे हैं, वो कॉल रिटर्न नहीं करी अभी तक। तो एक तरफ तो क्या होता है कि भाई उस समय जो ये था कि आपके बिना हमारी सरकार नहीं चलेगी, अब क्या हो गया, अब तो लगता है जैसे संवाद ही खत्म हो गया। तो ये जब तक ये समझना पड़ेगा हमको कि जो बिजली का मसला है वो देश की प्रॉस्पेरिटी से कनेक्टेड है, देश की इमेज से कनेक्टेड है, और साथ में देश में अगर बिजली के साथ आप तमाशा करेंगे तो चाहे वो राजनीतिक हो या वो अर्थव्यवस्था हो या देश की, से सबको अब भारी चोट पहुंचाएंगे। इसकी अवेयरनेस, मतलब राजनीति से ऊपर हटके इस पे सोचना पड़ेगा, नहीं तो जो हमने देखा वो दोबारा भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। जो हम, मैं आऊंगा, मैं उसके बाद आपसे कुछ सवाल पूछूंगा पीयूष गोयल से जुड़े हुए, क्योंकि मैं उनको बहुत लंबे अरसे से जानता हूं, वो आर्थिक मसलों पर एक प्रगतिशील सोच रखते हैं। ये बड़ा, राजीव प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि देखिए ये तो बड़ा स्पष्ट है कि कोई भी इसकी जवाबदेही एक्सेप्ट नहीं करेगा, सब कहीं ना कहीं घुमा फिराकर बोलकर, उसमें बाबूगिरी की भाषा होगी, उसमें सियासी भाषा होगी, उसमें नेतागिरी की भाषा होगी, एक से दूसरे के ऊपर ये आरोप मढ़ेंगे। हकीकत ये कि आपका ग्रिड सीधी सरल मेरे जैसे मूर्खों की समझ के हिसाब से भी ओवर विड्रॉल ऑफ पावर पर कलाप्स हुआ था 2012 में, और जैसे नरेंद्र ने कहा, जैसे हिमांशु ने कहा, हकीकत यह कि उस मुल्क में मसला बना ही नहीं। आप बेचिए हिंदुस्तान, इंडिया, इंडिया इंक, इंडिया शाइनिंग, मोदी का इंडिया, मनमोहन का इंडिया, लेकिन ये जब इंडिया में अंधेरा छाया हुआ था देश के आधे हिस्से में, यह आज तक इशू बना ही नहीं। नहीं, इसके ऊपर जो बातें हमारे साथियों ने बोली हैं, एक पॉइंट आप और जोड़ लीजिए, ग्रिड जो मैनेज करते हैं उन्होंने स्विच ऑफ क्यों नहीं किया? क्यों वो देखते रहते हैं कि भाई उनके, उनको पता है फ्रीक्वेंसी डाउन जा रही है, उनको पता है कि लोड ओवरड्रॉ हो रहा है, सब कुछ पता है, तो स्विच ऑफ होना चाहिए सीधा, बिकॉज पूरे हिंदुस्तान को खत्म करने से एक स्टेट खत्म करो ना, कम से कम रिस्ट्रिक्ट योर लॉसेस एंड इमेज जो है, आप इंटरनेशनल इमेज की बात क्यों करते हैं? आज दिल्ली पे सड़कों पर लड़ाई हो जाती है, माफ करना मैं ऐसा नहीं मानता कि होना चाहिए, बट ऐसी हरकतों से, ऐसी सरकारी हरकतों से उस स्टेट का बाशिंदा बदनाम होता है, ओ बिहारी, ओ यूपी वाले, ये सब कसीदे कसे जाते हैं कि उल्टा प्रदेश, यूपे रिश्वत को बोलते हैं, ये सारी चीजें जो आती है ना, ये सोशल एनवायरनमेंट से निकल के आते हैं। सही बात है, और मैं भी इसको कंडेम करता हूं, मतलब कड़े शब्दों में इसकी आलोचना करता हूं, कतई नहीं होना चाहिए, बट क्योंकि उन लोगों ने ओवरड्रॉल को इतना सस्ता मजाक कर लिया, जिसके करके मैं सफर किया, आपके करके मैं जब सफर करूंगा तो मेरा लाजमी है कि मेरे को आपके ऊपर गुस्सा आएगा, बाकी पूरी लोगों ने सफर किया है। आप समझिए, इस देश में, दिल्ली में लोकसभा है, एम्बेसीज हैं, राष्ट्रपति भवन है, सब कुछ है, इमरजेंसी सर्विसेज तो सब जगह पे हैं, ये तीन चीजें तो सिर्फ दिल्ली में हैं, और आपके करके टोटली आप एक स्टेट के करके पूरे वर्ल्ड में क्या मैसेज गया, जो आपने इससे पहले बोला ये सब होना चाहिए, पेनल्टीज आज तक नहीं लगी, और ऐसी पेनल्टीज लगे और स्विचिंग ऑफ तो एब्सोल्यूट मस्ट हो जाना चाहिए आज के बाद, अगर ऐसी स्थिति है। मेरे डॉक्टर अरविंद प्रसाद है, डायरेक्टर जनरल है फिक्की का, सर इस तरह की अगर सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति बन रही है तो क्या होना चाहिए? ये तो स्पष्ट है कि आप जिस माहौल में हैं, कोई गारंटी नहीं है कि 2012 रिपीट हो जाए, 2012 दोहरा दिया जाए, लेकिन फिर क्या होना चाहिए, क्योंकि कोई यहां जिम्मेदारी तो लेता नहीं पॉलिटिकल सिस्टम में इस बात की।
नहीं, जैसा कि पहले डिस्कशन हो रहा था तो मुझे लग रहा था कि इसको पूरा पॉलिटिकल सिस्टम से जोड़ के देखा जा रहा है, जबकि यह जो कोलैप्स हुआ था ये ऑपरेशनल डिटेल की बात थी। और जैसा कि एक प्रीवियस वक्ता ने बोला भी कि उसको डिस्कनेक्ट क्यों नहीं किया गया, और अभी ऐसा देखा जा रहा है कि ये सिर्फ एक स्टेट की बात थी। तो मैं इस पे दो पॉइंट बोलना चाहूंगा। पहले तो ये कि ये वंस इन ए व्हाइल बड़े ऐसा नहीं है कि अक्सर होता है, तो उस सेंस में जो भी सिस्टम मैनेज कर रहे हैं मैनेज कर रहे हैं। और 2002 के बाद 2012 में ये घटना घटी थी, बहुत दुखद घटना थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये हमें स्वीकार करना चाहिए कि ब्रॉडली एक अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है। वो वंस इन ए वाइल्ड घटना थी। प्रॉब्लम उसमें ये है, जहां पर उत्तर प्रदेश की बात आई, बिहार की बात आई, कुछ हद पंजाब के भी कुछ हिस्सों में है। देखिए, आप 400 किलो वोल्ट पे डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं नॉर्मली, 220 किलो वोल्ट पे डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं। ये डिस्कनेक्ट होना है 11 kV पे, ये डिस्कनेक्ट होना है 120 kV पे, सो नीचे से डिस्कनेक्ट होना है। अनफॉर्चुनेटली बिहार, उत्तर प्रदेश, कुछ भाग पंजाब में जो उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं, सब स्टेशन है 220 kV पे, 120 kV पे, उसकी हालत बहुत ही खराब है। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल मैकेनिज्म नहीं है, तो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर से भी जब उन्हें डिस्कनेक्ट करना होता है तो जहां पे डिजिटल मैकेनिज्म है, कई राज्य में सदर्न राज्य ने अपनी ऐसी व्यवस्था की है कि अगर कोई उनके पास पावर सप्लाई कम हो गया है तो वहां से वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जबकि यूपी में, बिहार में वो कॉल करते हैं अपने सब स्टेशन को, उनको रिक्वेस्ट करते हैं डिस्कनेक्ट करने के लिए, तो इस सब में काफी टाइम लग जाता है। तो ये जो रिफ्लेक्शन है वास्तविकता में यह है कि जो दोनों कई राज्यों के जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की जो व्यवस्था है उसको रिफ्लेक्ट करता है। वो उनके पास ह्यूज लॉसेस हैं, वो उसको कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनके पास ऐसे सरप्लस मनी नहीं है कि ट्रांसमिशन नेटवर्क को इम्प्रूव कर सकें, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे इन्वेस्टमेंट कर सकें, कंट्रोल सिस्टम जो उसका रिले है उसको रखा है। आप कह रहे हैं कि ब्रॉडली आपको लगता है कि मैनेजमेंट ठीक है, डॉक्टर प्रसाद आपको लगता है ब्रॉडली मैनेजमेंट ठीक है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रॉडली मैनेजमेंट ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैनेजमेंट खराब है वो वंस इन ए वाइल जो इंसिडेंट हो रहा है उसमें ही रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो रिफ्लेक्ट डे टू डे में होता है। क्योंकि रेगुलर यूटिलिटीज जो रेगुलर पावर सप्लाई में जो डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो रोजमर्रे में पावर की सप्लाई नहीं होती है, तो वो ओवरऑल वहाँ के जो बिजली मैनेजमेंट का, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मैनेजमेंट का वो रिफ्लेक्शन है। मैं डॉक्टर प्रसाद, मैं सलमान सरोज साहब के पास आना चाहूंगा कांग्रेस के, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ सर इस सीएजी रिपोर्ट से आपको पढ़कर बताऊंगा, इसको भी अनुवादित करता रहूंगा सारी अंग्रेजी में। इनफैक्ट ये जो सीएजी रिपोर्ट है, हकीकत ये इसमें एक लाइन, एक पैराग्राफ है, उसकी दो लाइनें पढ़कर आपको बता रहा हूं। एब्सेंस ऑफ मैकेनिज्म टू असेस एफिशिएंसी ऑफ नेटवर्क कंस्ट्रक्शन रिजल्ट्स इन इनफॉर्मिटीज इन सिस्टम डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्यूड पावर फ्लो अक्रॉस लाइन्स। यानी कि सीएजी की रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि कोई भी इस तरह के तरीके की कमी होने की वजह से कि आपका सिस्टम कैसे काम कर रहा है, पूरा विकास जो है फ्लो का, बिजली के एक जगह से दूसरी जगह जाने का, उसका प्रॉपर और सही तरीके का असेसमेंट ही नहीं हो पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बुनियादी प्रॉब्लम है। नरेंद्र तनेजा, जल्दी से एक क्विक कमेंट इस पॉइंट पर, उसके बाद मैं सलमान सोर्स के पास जाना चाहूंगा। मेरा ये मानना है, जैसे सीएजी की रिपोर्ट ने भी कहा, अगर इसके देखिए कुछ डायमेंशन है जिसपे इन्होंने मेंशन नहीं किया लेकिन रिफ्लेक्ट कर रहा है, और दूसरा मेरा ये मानना है स्क्यूड फ्लो का सिस्टम है, इसीलिए तो ये स्थिति आती है। दूसरी बात देखिए, कर पा रहे जो एनर्जी गवर्नेंस है हमारे देश के अंदर, खासतौर से कुछ राज्यों में जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे प्रमुख है, एनर्जी गवर्नेंस वहां पर बहुत खराब है। ओवरऑल गवर्नेंस भी बुरी हालत, एनर्जी गवर्नेंस बहुत खराब है। और साथ में 2012 में जब ये सारा हादसा हुआ उस समय पुअर एनर्जी गवर्नेंस के साथ साथ एरोगेंस थी कि नई दिल्ली की सरकार हमारे कंधे पे चलती है, और उसी का नतीजा था। अगर आप हम आपकी बात उस समय की आप प्रेस रिपोर्ट निकाल के देखेंगे तो उसमें ये सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट होता है। सलमान सोस, क्या किया जाए यहां से? ये 2012 की सिचुएशन है, सीएजी साफ साफ कह रही है कि आप अभी भी सिस्टम कारगर हो, एफिशिएंट हो, ये नहीं समझ पा रहे। देखिए, हमारा जो पावर सिस्टम है, कोई भी पावर सिस्टम है, इसमें तीन मेजर सिस्टम्स हैं। एक तो जनरेशन है,
जो हिंदुस्तान में अब काफी ज्यादा जनरेशन हो रही है, दूसरा उस बिजली को जो पैदा करते हैं उसको आपको ट्रांसमिट करना है, ट्रांसमिशन का जो सीएजी ने बोला है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है। जो 2012 की सिचुएशन है मेरे ख्याल में आज की सिचुएशन वो नहीं है, क्योंकि आज हमारा एक नेशनल ग्रिड बन चुका है। पहले सदर्न ग्रिड जो हमारा सदर्न रीजन था वो नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्टेड नहीं था, अब वो कनेक्टेड है। मेरे ख्याल में इन्हीं महीनों में जो भी अब उसमें बाकी कुछ रह चुका है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका एक टोटल नेशनल ग्रिड बनेगा, बन गया है मेरे ख्याल में तकरीबन। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, रीसेंट रिपोर्ट कहती है कि हमारा जो ट्रांसमिशन नेटवर्क आज का है ये स्टेट ऑफ द आर्ट। अब इसमें ये मैं नहीं कहता कि जो 2012 में वो तो बहुत ही सीरियस इशू था, उसकी वजह से हिंदुस्तान में काफी लॉस हुआ, अगर आप इकोनॉमिक लॉस को देखेंगे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस उसमें। लेकिन जो मुझसे पहले आपके एक स्पीकर जो कह रहे थे कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जो ये तो एक पूरा सिस्टम चलाने की बात है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ट्रांसमिशन अब उतना नहीं जितना डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी की वजह से अब क्योंकि फीडबैक लूप है, ये नहीं कि आप ये डिस्कनेक्टेड सिस्टम्स नहीं है, ये कनेक्टेड सिस्टम्स है। और मैं आपको ये बताऊं, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है और इसमें तमाम लोग नंगे हैं। मैं आपको ये बताऊं साफ साफ, आपको याद होगा कि जब दिल्ली का इलेक्शन था असेंबली का, आम आदमी पार्टी आई तो कहा जी हम 50% टैरिफ रिडक्शन कर देंगे, सही बात है। बीजेपी आई कहा हम 30% रिडक्शन कर देंगे, को गलत मानता हूं। तो देखिए ऐसी बातें, मैं कहता हूं कि तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स में बहुत प्रॉब्लम है, स्टेट की जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उनमें बड़ी प्रॉब्लम है। टैरिफ रिडक्शन, टैरिफ पूरा नहीं होता, और फिर अगर आप टैरिफ पूरा नहीं करेंगे बिजली की चोरी के पीछे नहीं पड़ेंगे, आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो आपको ये बताऊं सीएजी की रिपोर्ट जो है, जो एक हिसाब से रिट्रोस्पेक्टिव है 2012 की, उन्होंने बहुत बात की है, लेकिन मेरे ख्याल में उसके आज काफी इंप्रूवमेंट है। हमारा एक नेशनल ग्रिड बन चुका है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें मेरे ख्याल में पावर सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है। डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ी समस्या है और इसमें कोई दो राय नहीं, जैसे सलमान सोस कह रहे हैं उससे मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे ही तो सियासत है। तो हम क्या, अगर मान लीजिए नेशनल ग्रिड एक राष्ट्रीय ग्रिड बनना इसका विकल्प है, इसका तरीका है, तो फिर हम इस सियासत को क्या कम कर पाएंगे? क्या हम उस तरह के सियासी रिश्तों को, दबाव को, जैसे नरेंद्र ने कहा कि किसी के ऊपर कांग्रेस की सरकार निर्भर करती है, वो कह रहा है हमको तो ज्यादा बिजली चाहिए, क्या इस तरीकों को हम रोक पाएंगे? हम इस पर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।